अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज आई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कहीं बाहर हूँ। तो हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं मैं आपको भी बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने छुट्टी करी थी तो बच्ची का भी दिल था थोड़ा घूमने का, तो हमने कहा चलो कुछ ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो थोड़ा इन्जॉय कर लेगी और देख भी लेगी कि भाई हमारे पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हैं कराची के अंदर। और तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं PF म्यूज़ियम। फैमिली है, हम दोनों ही हैं बस। तो खैर फैमिली का तो वो है ही। तो हमने कहा चलो बच्ची के साथ जो है वहाँ चलते हैं। और बच्ची हमारी माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया उसने वहाँ पर। उसने पिक्चर्स भी बहुत सारी खिंचवाई हैं। और ये देखें, ये जहाज़ है, इसको हम लोग बोलते थे जंगी जहाज़। तो हम लोग खैर अब पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं तो इसलिए मैं कोई वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी थोड़ी इसी ले ली थी। तो आगे अनाया बैठी है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड। तो हम लोग जो है वो अंदर जो है एंटर कर गए हैं PF म्यूज़ियम के बिल्कुल। और ये देखिए ये रास्ता है उसका। और बहुत आवाम थी, मतलब ट्रैफिक भी बहुत था, बहुत मतलब लग रहा था कि लोग जो है ना वो मतलब आज के दिन यहीं सारे आए हुए हैं। तो खैर बहुत प्यारा बनाया हुआ है अंदर से। मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ लेकिन हस्बैंड आज तक नहीं गए थे, तो उनको मैं लेके गई थी। उन्होंने कहते थे कि मैंने हमेशा बाहर से देखा है, आज मैंने अंदर से पूरा देख लिया। तो यहाँ से पूरी ग्रास 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 बहुत प्यारा मतलब लग रहा था। और मैंने मोबाइल से वीडियो शूट करी थी, हस्बैंड कह रहे हैं कहीं गिर ना जाए, मैंने कहा नहीं गिरेगा आप फिक्र हैं। तो बस मैं छोटी छोटी सी वीडियोज़ बना रही थी, क्लिप्स बना रही थी आप लोगों के लिए। और मैं अपने आप को सामने से देख रही थी। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाइक जो है पार्किंग पे लगाने के लिए गए। तो मैंने कहा आप पार्किंग लगा लें और मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ अपनी। तो मेरे हस्बैंड और अनु जो है वो अनाया जो है वो भागते हुए यहाँ पर आ रही है। और माशाल्लाह से इतना खुश थी कि अंदर जो है ना कि उसको किसी ने छोड़ा हुआ है, क्योंकि फैमिली थी तो कोई डरने की बात तो थी नहीं कि बच्ची और गिर गई थी मेरी अनु। तो फैमिली थी तो हमने उसको छोड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको गोद में ले लिया। और अनु ने 2 पोनियाँ बांधी हुई हैं, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से मेरी छोटी सी पारिशी अनु। और काफ़ी आवाम थी, जैसे मैंने बताया ना हम लोगों ने लगा था पूरा आधा कराची जो है ना वो यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए मतलब गाड़ियाँ स्कूटरें बाइक नहीं इतनी बाइकें थी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। और मेरी अनाया जो है ना वो देख कर बड़ी खुश हुई हर चीज़ को कि भाई हम कहाँ आ गए, क्योंकि हम अनाया को फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो उसका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। और ये PF म्यूज़ियम का जो अनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से है तो बहुत आवाम थी। तो मेरे हस्बैंड से बोला आप जाके जो है ना वो टिकट वगैरह ले लें अंदर जाने का। तो मैं टिकट वगैरह ले लेता तो देखिए कितनी सारी आवाम है, सारी यहीं पर ही आई हुई। और मैं अनाया को हाथ पकड़ के चल रही थी, अनाया खैर खुद भी जा रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं अभी तो, क्योंकि वो वहाँ पर मिट्टी वगैरह भी थी ना, तो मैंने कहा कहीं तुम मिट्टी में ना चले जाओ ना। तो वो अपना खेलती रही और निशान और मैं हम लोग ने दोनों ने अनाया को पकड़ा हुआ था ऐसे करके। और इतनी अच्छी लग रही थी छोटी सी मेरी अनु। और मेरे हस्बैंड ने छुड़वा दिया उसने हाथ मेरा अमन निशान से, और मैं उसको बस लेके चल रही थी और फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह भी बना रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम लोग जो है वो कहीं झूले पे बिठाने के लिए गए थे अनाया को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन झूला बिठाएं। तो हम लोग जो है वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो अंदर जो है ना फाइनली हम लोगों को एक फैमिली हॉल जो नहीं होता वो मिल गया। तो हम लोग वहाँ चले गए। सीरियसली वहाँ के झूले भी बहुत अच्छे थे लेकिन अनाया को हर झूले पे बैठना था। अब वो कुछ झूले तो ऐसे थे ना जिसमें बड़ा बच्चा बैठ सकता है, अब वो बड़े में जाके बैठ गई और जब वहाँ से उसको निकालो तो वो रोना शुरू कर देती थी। तो वो तो मैंने खैर शूट नहीं किया था ज़्यादा क्योंकि वो तंग कर गई, तो जब वो बैठ गई तो मैं वीडियो बनाती थी। तो ये देखें फाइनली हम जो है ना इसके अंदर पहुँच गए। और ये इतने अच्छे देखें कितने सारे झूले हैं। और ये कोई जो था वो 5 साल की उम्र का था, कोई 4 साल की उम्र के था, कोई 2 साल की उम्र का था, कोई 1.5 साल की इस तरह से थे। तो अनाया मैंने जो है जीप में बिठा दिया उसके अंदर, वो आधा बैठी और आधा फिर बाहर आने लगी। ये देखिए अभी तो खैर बैठ गई चुपचाप, अभी कुछ पता नहीं अभी, लेकिन उतरने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों का होता है ना कितनी देर तक किसी जगह पे बैठते नहीं टिकते नहीं हैं। आ गई थी उसके बाद इसके अंदर बिठाया उसको, तो इसके अंदर से भी जो है ये बस क्योंकि पैर जो है ना वो जा नहीं रहा था तो इसका तो ये मोड़ के बैठी थी ऐसे करके पैर, लेकिन बहुत अच्छा झूला था, रिलैक्सिंग वाला था। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े हुए उसको देख रहे हैं। तो मतलब
थोड़ा बच्चों के लिए मतलब इंसान को करना चाहिए कहीं घुमाने फिराने, मतलब मैं तो समझती हूँ कि लेके जाना चाहिए। और यहाँ ये इनका मार्क्स खींच रही है, कभी ऊपर करी थी कभी नीचे करी थी। और ये पूरा स्ट्रीट फूड लगा हुआ है यहाँ पे, शॉपिंग का भी है यहाँ पे, ये बूंदे वाली की है। और यहाँ पे जो है सिर्फ खाने का है, आगे भी था खाने का लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई सॉरी। लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी जो है ना क्या कहते हैं ये जूली वगैरह थी, आइसक्रीम भी यही थी। और ये हम लोग ने आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम हम लोग ने ली थी क्योंकि हम लोग ने खाना नहीं खाया था वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर अपने घर के रवाना होने के लिए। तो बस सही था, अच्छा था, मज़ा आया है। तो बस निशान ने कहा कि अब चलो घर, रात भी हो गई थी, 8 बज गए थे। तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, और अनाया को भूख भी लग रही थी। तो हम लोग निकल गए घर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।